नेता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में, मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। तीसरे चरण में राज्य के 16 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में आज मतदान है, जिसमें मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट भी शामिल है, जहां सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आमने सामने हैं। आइए देखते हैं विधानसभा करहल की खास रिपोर्ट। नमस्कार, डीवी भारती समाचार में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं करहल विधानसभा में। ये करहल विधानसभा उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा है। यहाँ से अखिलेश यादव चुनाव पर खड़े हुए हैं, यहाँ के लोग कुछ वोट डाल के आए हैं। ये विधानसभा करहल की दो भी गाँव में मौजूद है। आइए पूछते हैं किसको चुनना चाहते हैं। हाँ जी, आपने वोट डाला है जी। विकास मुद्दे को लेकर किस पार्टी को चुनना चाहते हैं आप? मैं तो अखिलेश यादव को। वोट डाल के आए हैं आप, दिखाइए जरा, ऊपर करिए। अच्छा, समाजवादी पार्टी में ही वोट डाला है, जबकि यहाँ से एसपी सिंह बघेल भी खड़े हुए हैं। बघेल साहब का यहाँ कोई जनाधार ही नहीं है, वो तो आगरा से आए हैं यहाँ पर, उनको कोई कुछ है ही नहीं। रात भर किसान गाय रखा रहे हैं, बहुत अच्छी पार्टी तो है ही, नौकरी लगा दी सब लोगों की, किसानों की गाय बिल्कुल खत्म कर दी। आप बताइए, आपने वोटिंग किया जी? अखिलेश यादव को। अच्छा, आप बताइए किसको चुनना चाहते हैं? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को। चाचा जी, अखिलेश यादव क्यों चुनना चाहते हैं? अखिलेश यादव में ऐसा विकास के रूप में, विकास पुरुष। विकास तो भाजपा ने ही बहुत, भाजपा ने कुछ नहीं किया, भाजपा ने इतना विकास कर दिया है, विकास नहीं हुआ है यहाँ। बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया। तो आप चाहते हैं कि इस बार समाजवादी की सरकार ही बननी चाहिए? बिल्कुल साहब जी। यहाँ की बात तो छोड़ो छोड़ो, पूरे उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ, सिर्फ गाय डेली और जो भी वे कहते हैं कि सपा में गुंडागर्दी, ऐसा कुछ नहीं। आदरणीय मेरे अखिलेश यादव पर कोई भी मुकदमा अभी तक नहीं हुआ है, न हो सकता है। आदरणीय माननीय क्या नाम योगी आदित्यनाथ जी पे 128 मुकदमे बताए जा रहे हैं, जानकारी तो नहीं है। तो वो गुंडा आदित्य योगी नाथ जी हैं या माननीय अखिलेश यादव जी हैं, वो पहले 2017 में उन्हें मोमडन और हिंदूवादी में अपना सरकार हम लोगों को चूतिया बना के, मैं भी चूतिया बना, अखिल करता हूँ मैं 2017 में चूतिया बना, पागल बने क्यों? एक मुद्दा, बहुत भारी मुद्दा लेके आए वो लोग। इस साल 2022 में मेरे सब समाज के लोग खड़े हुए हैं, साख समाज है, जाटव समाज है, ठाकुर समाज है, यादव समाज है, धोबी समाज, सब समाज के लोग हैं। मैं लोग कसम खा चुके हैं, आदरणीय अखिलेश यादव को यहाँ से विजयी बना के देंगे, और ज्यादा तो बात नहीं करता हूँ, 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में विजयी बना के जाऊंगा। वोट डाला है। आप बताइए जी, किसको चुनना चाहते हैं? मैं दलवीर सिंह यादव जी, भूतपूर्व सैनिक जी। हमारे यहाँ सबसे बड़ी मुद्दा है, हम लोग किसान हैं, किसान के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है गाय और सांड बनी हुई है। योगी जी ने रोजगार तो किसी को दिया नहीं है, लेकिन ऐसा रोजगार दे दिया है, रात को बैटरी लेके पूरी रात खेतों पे हम लोगों को पहरा देना पड़ता है। इन सब समस्याओं को देखते हुए और यहाँ पे बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, 5 साल के अंदर इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है किसी भी तरह का। जब बैल गाय बछड़ा देगी और बछड़ा वो बिक्री नहीं होगा, तो किसान कब तक अपने घर पे उसको चारा खिलाएगा? उसको चारा कांत कब तक खिलाएगा वो? आज की भूसा की रेट 17-18 रुपए किलो है, तो मजबूरन छोड़ना तो पड़ेगा। उसके लिए सरकार की जिम्मेवारी बनती है वो गौशालाएं खोलें। गौशालाओं के अंदर जो खोली गई, उनके अंदर इतनी दुर्दशा है, गाय के नाम पे, गाय गोपी और गंगा के नाम पे भाजपा ने जो प्रचार किया था, ना यहाँ गोपी सुरक्षित है, आज के जमाने में लड़कियाँ भी सुरक्षित नहीं है, गाय भी सुरक्षित नहीं है, और गंगा की भी सफाई नहीं हो पाई है। जो जो वादा योगी जी ने किए थे, भाजपा सरकार ने किए थे, एक भी वादा पर खरी नहीं उतरी। लोगों को गुमराह किया, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए? एक झोलाबाजी सरकार है, सिर्फ बहेलिया जो दाना डालता है ना, दाना राशन दे के पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है, दाना डाल के जाल बिछा के उनको बिल्कुल फंसाना के चक्कर में है, फंसाने के अलावा कोई नहीं है। किसान की किसी भी तरह से कहीं मदद नहीं हो रही है। हम लोग किसान के बेटा हैं, सभी जो सीमा पे रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं देश की, उनके। चलिए, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं प्रसपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र यादव जी। आइए जानते हैं कि वो यहाँ वोटिंग करने आए हैं जी। बताइए, आपने वोटिंग किया अभी? नहीं, वोटिंग के लिए जा रहे थे। किसको चुनना चाहते हैं, योगी या अखिलेश?
सबसे पहला तो हमारा ये, हम लोगों को करैल से जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो यहाँ से लड़ रहे हैं, हम लोगों का सौभाग्य है जो करैल विधानसभा से माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनाव जीत के जा रहे हैं यहाँ से, और बहुत अच्छी जीत हो रही है। और अखिलेश यादव पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक बिल्कुल बीजेपी को सफाया कर दिया। बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं है, वो राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम दंगा कराती है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और हमारी गरीब जनता का विकास होगा। जो अखिलेश यादव जी ने बिजली से लेकर जो 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 वायदा किया वो पूरा होगा। आपने देखा होगा पश्चिम में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, और यहाँ से हमारे दोनों सीट से कम प्रदेश में सबसे टॉप जीत होने जा रही है। एक जसवंत नगर माननीय शिवपाल सिंह यादव, और करण से हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। मिस्टर धर्मेंद्र जी का कहना है कि करैल विधानसभा से अखिलेश यादव की बहुत अच्छी वोटों से जीत हो रही है। जसवंत नगर जो चाचा शिवपाल यादव खड़े हैं वो भी बहुत अच्छे वोटों से विजय प्राप्त कर रहे हैं। कैमरामैन विनेश कुमार के साथ शीलेंद्र कुमार। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।